नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा, हिलेरी क्लिंटन होंगी अमेरिका की अगली राष्ट्रपति। कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनकर अगले साल बराक ओबामा की लेंगी जगह। समुद्री डाकुओं के चुंगल से छूटे संतोष भारद्वाज भारत के लिए हुए रवाना। केजरीवाल ने की सुषमा की तारीफ, भारतीय मरीन इंजीनियर है संतोष। इराक की राजधानी बगदाद में हुए भीषण बम धमाके, 94 की मौत, 150 लोग घायल। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाक कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया। समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। मुशर्रफ को 30 दिन के भीतर पेश होने का दिया निर्देश। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस नेता और चीन के बागी डोलकन ईसा ने भारत द्वारा अपना वीजा रद्द किए जाने पर कहा, चीन के दबाव में झुके बिना तिब्बती समुदाय की मदद करे भारत। ईसा पर है रेड कॉर्नर नोटिस जारी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने चीनी अधिकारियों को बताया असभ्य। ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवार्ड के साथ बातचीत में दिया बयान, चीन में बीबीसी के प्रसारण पर लग सकता है प्रतिबंध। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।